खुदा हाफिज टू, और कल चलेगा जुग जुग जियो। माइक सेटअप करके चेक कर रहे थे। अरे नहाएंगे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरी बेटी रो रही है, मोबाइल मांग रही है कार्टून देखने के लिए। और देखिए मेरी बेटी लिपस्टिक लगाई है। बेटा जरा दिखा दो अपना लिपस्टिक लगाई है ना बेटा। अभी गुस्सा कर रही है, शायद भूख भी लगा है। और आज मैं नाश्ता में बनाने वाली हूँ पास्ता। नाश्ता में पास्ता। मैं आ गई हूँ किचन में, अब गैस को साफ कर लेते हैं। तो गैस उतना गंदा नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का साफ कर लेते हैं। मसाला पास्ता बना रहे हैं, जो जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके से मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो मैं मसाला पीस कर हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पीसा हुआ मसाला ज़्यादा पसंद पड़ता है। तो वह देखिए मैंने मसाला में लिया है। पास्ता बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड तेल, थोड़ा सा जीरा, हींग और बारीक कटी हुई प्याज। इन सभी को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज भुंजा गया है, इसमें डालेंगे टमाटर, थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और इसे 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। टमाटर भी पक गया है, अब इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मसाला, थोड़ा सा पानी, और मसाला को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला से तेल अच्छी तरह से अलग न होने लगे। इसीलिए इस पास्ता को मैंने मसाला पास्ता नाम रखा है, क्योंकि देखिए ढेर सारा मैंने मसाला पीसा है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार मेरे कहने पे इस तरह से ज़रूर बनाएं। चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे मैगी मसाला, 1 चम्मच भर के चाट मसाला, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देंगे, अगर धनिया पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और इसे 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। तो अब ढक्कन हटा कर चेक कर लेते हैं। पास्ता बनकर तैयार है, अब इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म। हम तो पास्ता बना कर रेडी कर लिए थे, लेकिन प्रेम जी गए थे चिकन लाने, क्योंकि दोपहर में बनाने वाले हैं चिकन पुलाव। तो नाश्ता करते हैं, और अभी मेरे स्कूल में टीचर्स डे का तैयारी चल रहा है, तो नाश्ता करके दिखाते हैं किस तरह से तैयारी चल रहा है। पास्ता लेकर रिंकी आ गई है। रिंकी का बनाया हुआ पास्ता खा के देखिए टेस्टी है। दुकान में जो मसाला पास्ता मिलता है उससे अच्छा है। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मोबाइल और ट्राइपॉड दोनों चाहिए बच्चा लोग का तैयारी करने के लिए। इस वजह से थोड़ा सा हम बोले पानी उनी पी लो, उसके बाद तैयारी कर रहा है। हम लोग इधर अपना काम कर रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है। और रिंकी जी को कैसा लग रहा है पास्ता? अच्छा लग रहा है बेटा। स्कूल में अभी छुट्टी हो गया है, और बेचारा प्रेम जी देखिए पसीने पसीने हुए हुए हैं। माइक सेटअप करके चेक कर रहे थे। अब जा रहे हैं, नहाएंगे। नहाएंगे और दोपहर का नाश्ता, खाना भी नहीं बना है, स्कूल में देखना पड़ता है। हमसे ज़्यादा तो बिजी प्रेम जी रहते हैं। 12 बजने वाला है, अभी तक डेजी को खाना भी नहीं मिला है। तो मैं जल्दी से चाय की रोटी बनाई हूँ और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, और फिलहाल उसको दूध रोटी ही देंगे, क्योंकि उधर बिजी रह जा रहे हैं, इस वजह से टाइम से उसको खाना भी नहीं मिल रहा है। डेजी लो खाओ। सॉरी डेजी लेट हो गया। 3
फ्री बोलने पे ही खाती है। दूध रोटी है ये खा रही है। अब वो नीचे उतरने के लिए भी क्या करेगी, नीचे उतर के हैं डेजी को परेशान करेगी। उतार बेटा नीचे तुमको। हाँ नहीं डेजी उतारो उतारो उसको नीचे उतारो। चल तो डेजी खाना ना खा रही बेटा, परेशान मत करना। क्या करती है डेजी को पूछ ही पकड़ती है जब भी खाती है बेचारी। ऐसे क्यों कर रही है बेटा, वैसे नहीं करने का बेटा, नहीं करने का ना। चुमा ले लो डेजी को, चुमा ले लो, चुमा ले लो बेटा। कैसे लेती है क्या है, आप नहाए नहीं अभी तक, सोच में पड़े हुए हैं। नहाए नहीं कि थक गए हैं, नहाएंगे सारा जी सेटअप कर रहे थे, आज थोड़ा मोबाइल यहाँ रखे हैं, कोई मूवी भी डाउनलोड करके मूवी देखेंगे। हाँ यहाँ पे क्योंकि रूम में रखे हैं, रूम में एसी चल रहा है इस वजह से। वही तो हमेशा एसी हम लगवा करके दिए हैं हम, एसी का मजा उठा रही है पिंकी। हाँ इसको तो एसी अच्छा भी नहीं लगता, हमेशा बोलती है कि ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कम्बल उड़ते रहते हैं। हाँ इसीलिए आज हम सोचे कि थोड़ा आज हम अपना कंप्यूटर ही यहाँ ले आके यहीं पर काम करेंगे। बेंच वगैरह सब ले आए हैं। हम भी नहीं नहाए क्योंकि सारा काम करने के बाद नहाने में अच्छा लगता है, इस वजह से नहीं नहाए हैं। और अभी डेजी खाना खा रही थी और बेटी डिस्टर्ब कर रही थी, इतना जोर से डांटे कि हम फट से फोन रख दिए। डांट रहे थे डेजी को, मैडम को लगा कि इसको डांट रहे हैं। डेजी असल में जब बेटी डेजी खाना खाते रहती, कोई भी कुत्ता अगर खाना खा रहा है उस समय में उसको डिस्टर्ब करिएगा तो वो अपना एंगर शो करता है, घुर घुर करने लगता है। वही उस वक्त डेजी कर रही थी जब बेटी उसको पीछे से छू रही थी खाते वक्त में, तो डेजी घुर घुर करके मतलब एंगर अपना शो कर रही थी। रिलेन डेजी को डांटे आएगी भाई ये बच्ची है अगर अटैक कर देगी। हाँ और इधर बेटी भी मोबाइल लेकर आ गई है, कार्टून दे का इसका ऐड आ गया है तो दे रही है, बोलती तो है नहीं कुछ। अब देखो वो जाके उधर ही देखेगी कोना में। चिकन बन गया है, अब जल्दी से पुलाव बना लेते हैं। तो मैं बासमती चावल यूज नहीं करती हूँ, लेकिन ये भी पुलाव का चावल में ही आता है और ये भी टेस्टी लगता है खाने में। मैंने चिकन पुलाव बनाकर तैयार कर लिया है और सभी को भूख लगा है और मुझे तो मुँह में पानी आ रहा है। अब सबके लिए खाना निकाल लेते हैं। हम लोग का खाना रेडी हो गया है और उधर प्रेम जी कुछ देर पहले फिल्म लगाए थे, एक्चुअली नहा लिए हैं, हमको याद भी नहीं था कि नहाए हैं क्योंकि नहाए जैसा दिख नहीं रहे, पसीने पसीने थे इस वजह से। तब खाएंगे खाना, भूख लगा है, बिल्कुल भूख लगा है। ये अभी से खा रहे हैं चिकन पुलाव, कैसे खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं तो फिर पता समझ में आ ही होगा कैसा लग रहा है। आधा घंटा से अभी शाम का टाइम है और सब कोई चिकन खाए थे तो मन कर रहा था मीठा खाने के लिए, तो मैं बनाई हूँ गाजर का हलवा जो कि प्रेम जी और रिंकी जी रिंकी जी। ऐसे तो मेरी बहन पहली बार, हटो ना बेटा ये तो, इसको तो अलग ही है, इसको चम्मच चाहिए। पहली बार मेरी बहन गाजर का हलवा खाएगी ना रिंकी, खाइए कभी। शायद नहीं खाए, शायद नहीं, मुझे पता है ये नहीं खाई है क्योंकि मैं भी नहीं खाई थी। मैं यहाँ पे आकर गाजर का हलवा मतलब टेस्ट की हूँ। देखिए मेरी बेटी तनु, गाजर का हलवा का फरमाइश रिंकी का ही था। हाँ रिंकी का ही था कि कैसे बनता है आप बनाइए, तो मैंने सोचा कि सब कोई खाए हैं इखा तो खा लिया जाए थोड़ा मीठा। हाँ तो आप लोग थोड़ा टेस्ट करके बताइए। एक दे दो बेटा पापा को चम्मच, एक दे दो बेटा, आप टेस्ट करके बताइए, आप पहला बार खा रहे हैं। जीजा साली का प्यार। तुमको हमको अच्छा लग रहा है, देख कर बोलो। हमको तो अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि तुम
नींद आ रहा है तेरे को? नहीं तो। बहुत टेस्टी है, एकदम मीठा है, मस्त मिठाई है। मीठा तो है। और इधर लगा है हम लोग का फिल्म, क्योंकि रात का खाना बना हुआ है, इस वजह से हम लोग का आज चलेगा। कौन सा फिल्म चलेगा? आप कौन सा फिल्म डाउनलोड किए हैं? आज चलने वाला है खुदा हाफिज टू। खुदा हाफिज टू। खुदा हाफिज टू। और कल चलेगा जुग जुग जियो। यानी दो दिन तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। गुड बाय। बाय।